ही आए थे, हमने सोचा यहाँ से कोई लकड़ी वगैरह तोड़ लेते हैं, क्योंकि हमने बीए जू के अंदर पौधा लगा के तो लकड़ी लगानी है उसके ऊपर। तो ऐसा करते हैं, हम ये वाली लकड़ी तोड़ लेते हैं, ये काफ़ी अच्छी भी लग रही है और काफ़ी इसकी डंडियाँ भी फैली हुई हैं, तो इसे हम तोड़ते हैं। कुल्हाड़ी लेके आते हैं, नीचे से कुल्हाड़ी मारेंगे। ये वाला पीस जो है ना, इस पर काफ़ी डंडियाँ लगी हुई हैं, तो ये फैंसी सा लगेगा हमारे बीए जू में। तो ऐसा करते हैं, हम इसे तोड़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, करते हैं फिर आज की व्लॉग को स्टार्ट। दोस्तों, हमने हाथ से तोड़ने की काफ़ी कोशिश की थी तो हाथ से नहीं टूटा, इसलिए हम ये कुल्हाड़ी लेके आए। तो कुल्हाड़ी से तोड़ने की कोशिश करते हैं और यहाँ से नीचे से यहाँ पर रख के मारते हैं, ताकि ये देखें फ्रेंड्स, ये हमने दो लकड़ी के पीस तोड़े हैं, एक ये है और दूसरा वो वाला है। तो इसका हम मिनी जू के अंदर पौधा लगा के उसके अंदर ये लगाएंगे फैंसी वैसी, ताकि ना चिड़ियाँ वगैरह इस पर बैठ जाएं। जब हम चिड़िया भी लेके आएंगे, उससे पहले हम ना इसका कुछ बनाएंगे और अपने बीए जू में रखेंगे। तो इसे ऐसा करते हैं, पकड़ कर ऊपर ले जाते हैं दोनों को, इसको ऐसा पकड़ के ऊपर ले जाते हैं। और यहाँ पर रोटियाँ भी हमने रखी थी, ये पड़ी हुई हैं, ये रोटियाँ भी हम यूज़ करके अपनी मुर्गियों को डाल देते हैं। दोस्तों, हम अपनी बिल्ली को ढूंढ रहे हैं काफ़ी देर से, वो भी नहीं मिल रही। मैं बाहर लकड़ियाँ तोड़ने चला गया था तो वापस आके देखा है ऊपर, पहले ऊपर बैठी हुई थी, फिर बाद में पता नहीं किधर चली गई। अब देखते हैं कहाँ पे है, नीचे तो नहीं कहीं आ गई। ऊपर हमने उसे धूप में बिठाया हुआ था, तो धूप में से मुझे लगता है नीचे को आ गई होगी, यहाँ पर कहीं गई। मैंने बैठ के नीचे देखा तो वाइट सी यहाँ पर कोई चीज़ बैठी हुई थी, मैंने कहा यहाँ पर कैट ही हो सकता है। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये देखें यहाँ पे बैठी हुई है हमारी कैट, ये देखें। अब इसने अपने फेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जाले लगा लिए हैं, तो इसको बाहर निकालते हैं पहले। चलो बाहर निकलो कैटो, बाहर निकलो, अभी हमने इसका नाम भी नहीं रखा। बाहर निकलो, बाहर निकलो, चलो। दोस्तों, हमने इसे सुबह के टाइम गलीची डाली थी, तो अब मुझे लगता है इसे भूख लग रही है, क्योंकि हमारी टांगों के साथ ये घूम फिर रही है। ये देखें, जब भी मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो मेरी टांगों के साथ घूम रही है। तो इसे ऐसा करते हैं, थोड़ा सा दूध डाल देते हैं ताकि इसे भूख ना लगे मज़ीद, तो इसे दूध डाल देते हैं। फ्रेंड्स, हमने इसे रोटी भी डाली थी अपनी कैटों को, तो इसने रोटी नहीं खाई। अब देखते हैं मुँह मारती है कि नहीं मारती। नीचे ये देखो रोटी, रोटी खा लो, तो ये रोटी नहीं खा रही। तो ऐसा करते हैं, ये रोटी जो उसी बची हुई है ये हम अपने मुर्गे को डाल देते हैं, और इसे हम यहाँ पर इसके अंदर दूध डाल देते हैं, और ये रोटी यहाँ से निकाल कर यहाँ पर ऊपर रख देते हैं, फिर इसे मुर्गियों को डाल देंगे। यहाँ पर रख देते हैं हम, और इसे हम थोड़ा सा दूध डाल देते हैं इस कटोरी में। ये इधर आओ कैटो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, पी लो दूध, पी लो। थोड़ा सा और डाल देते हैं दूध, थोड़ा सा पकड़ो, पीछे ले पीछे, दो मिनट दो मिनट, सब करो सब करो सब करो सबक रहो, कैटो सबक रहो, ये लो पी लो, पी लो। ये देखें हमारी कैटो दूध पी के चली गई, और नीचे भी इसने काफ़ी गिराया और थोड़ा सा पिया, और बाकी इसने छोड़ दिया। मेरे ख्याल में ठंडा है इसलिए इसने नहीं पिया, अंदर चली गई है बाहर। ये लोहे की तार है, इसके साथ हम जोड़ेंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं, अंदर आ जाए आप। ये दोस्तों, हमारे पास ये पड़ा हुआ था, इसलिए सरिया ऊपर लगा हुआ है और नीचे बाल्टी है, अंदर काफ़ी मजबूत है ये। तो इसके साथ हमने सोचा कि ये यहाँ पे करके इसके साथ तार के साथ हम बांध देंगे, फिर ये पक्का हो जाएगा। और यहाँ पे हमने ये वाला लगाया, ये आगे आके दिखाएं ज़रा, ये देखें, फिर इसको बांध देते हैं थोड़ा सा पीछे।
दोस्तों कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो काफी प्यारा लग रहा है। यहाँ पे हम चिड़िया वगैरह लेके आनी है, तो चिड़ियों के लिए ग्रीन जो सी चिड़िया होती हैं उन्हें सब्जा वगैरह काफी पसंद होता है, वो ज्यादातर दरख्तों के अंदर अपना घर बनाती है, तो हमने उसके लिए पहले ही अपना नया घर बना लिया ही है। देखे यहाँ पे पहले ही मेरे ख्याल से यहाँ पे करके एक चिड़ी ने घर बनाया हुआ था, तो हम तो बाहर से तोड़ लाए हैं, बस अब हम यहाँ पे अपनी चिड़िया रखेंगे तो वो अपने यहाँ पे नेक्स्ट वगैरह बनाएंगी। और यहाँ पर भी ये भी एक हमारा पौधा है, तो यहाँ पर भी वो अपना घर बनाएंगी। ये छोटा है और ये वाला बड़ा है, तो यहाँ पे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ज़्यादा प्यारा लग रहा है, क्योंकि इसकी यहाँ नीचे से भी डंडी है और ऊपर भी काफ़ी अच्छी। वो देखें दोस्तों, अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो वो वहाँ पे खड़े होकर लेंटर डाल रहे हैं। ये देखें, अगर आपको नज़र आ रहा होगा वो यहाँ पे रस्सियाँ हैं, वो बारीक सी रस्सियाँ लगी हुई हैं साइड पर, वहाँ से ऊपर सीमट जाता है और वहाँ पे लेंटर डाल रहे हैं। वो देखें,